हेलो दोस्तों, हाई स्कूल परीक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में प्रश्नावली 8.4 के कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे मैं आगे भी वीडियोज़ को अपलोड करता रहूँ। फिर या आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां सम्मिलित कोण न्यून कोण है, जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है LHS बराबर RHS, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष के बराबर हो, या दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने कॉसिक थीटा को 1/sin थीटा लिख दिया है, कॉट थीटा को हम cos θ/sin θ लिख सकते हैं, क्योंकि tan θ इक्वल टू क्या होता है, sin θ/cos θ। तो वैसे ही cot θ इक्वल टू क्या होता है, cos θ/sin θ, वही कर दिया गया है हम लोगों ने, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया है। एलसीएम लिया है, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम यहाँ पे sin θ/sin θ है, तो sin θ एलसीएम हो गया, 1 - cos θ का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या किया गया हम लोगों ने, इसका साइन जो 1 - cos²θ है उसको ऊपर कर दिया गया, sin²θ हो गया ये। ठीक है, 1 - cos²θ, और sin²θ को क्या लिख सकते हैं, समीकरण से sin²θ + cos²θ की समीकरण से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 - cos²θ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 - cos θ को दो बार, 1 - cos θ है तो 1 - cos θ, 1 - cos θ स्क्वायर लिखा लगा है तो इसको हमने दो बार लिख लिया है। अब 1 + cos θ, और ये a² - b² का फॉर्मूला है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, ये कर दिया है। अब इसको यहाँ पे मेरा 1 - cos θ कट गया, तो यहाँ पे दायां पक्ष प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos θ / 1 + sin a + 1 + sin a / cos a इक्वल टू 2 sec a, ये दिया हुआ है। तो हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है, केवल पहले एलसीएम ले लिया, हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, तो ये आया हम लोग का एलसीएम, लेने के बाद ये आया। अब आगे हमने cos²a है प्लस 1 + sin a का होल स्क्वायर कर दिया है, मतलब a + b का होल स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पे। तो sin²a + 1 + 2 sin a लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग का एलसीएम लेने के बाद ये आया था, cos²a + sin² की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, +2 sin a। अब फिर यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन लेने के बाद हम लोग को बचा 1 + sin a। अब 1 + sin a कट गया हमारा, तो बचा हम लोग को 2 / cos a। अब cos a का ये इन्वर्स किसका होता है, sec a का इन्वर्स क्या होता है, sec a का इन्वर्स होता है 1 / cos a। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2 sec a, और हमें क्या प्रूव करना था, 2 sec a के बराबर है ये चीज़। तो ये पक्ष हमारा LHS = RHS प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan θ / 1 - cot θ + cot θ / 1 - tan θ, ये प्रूफ करना है हमें, कुछ नहीं करना है। tan θ को पलट दीजिए आप sin θ / cos θ में, cot θ को cos θ / sin θ में पलट दिया हमने। तो ये किया हमने, वही tan θ की जगह पे वो कर दिया, जो यहाँ पे वैल्यूज थी पुट कर दी मैंने, cot θ की जगह पे ये लग दिया। अब क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम लिया हमने, sin θ - cos θ / sin θ, cos θ - sin θ / cos θ हो गया है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा, गुणे का चिन्ह, और फिर ये पलट जाता है। ठीक है, ये पलट गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे फिर ये भी कर दिया गया, ये वाला पोर्शन भी। अब आगे देखिए, इसका जो गुणा हो गया sin²θ हो गया / cos θ, और इसका एलसीएम, इसका फिर उसी तरह sin²θ / cos θ, sin θ - cos θ - cos²θ, sin θ - cos θ। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया है, क्योंकि ये cos θ - sin θ था, तो इसको हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया है इसको। तो ये क्या हो गया है, ये हम लोग का माइनस में हो गया, -cos θ, तो -cos θ हो गया ये, और ये sin θ जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका फिर हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये जब इधर जाएगा तो sin³θ हो गया, sin θ - cos θ ऊपर नीचे हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे, तो sin³θ - cos³θ वैसे ही, और एलसीएम क्या है, ये आया। अब फिर यहाँ पे a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, a - b, a² + b² + ab होता है। ठीक है, तो हमने वही फार्मूला इसका a³ - b³ का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है, a³ - b³ का फॉर्मूला आप जानते होंगे, बीजीय समसमिका है ये, बीजगणितीय समसमिका, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही फार्मूला रख दिया है फार्मूले पे इसको, फिर ये हो गया। अब यहाँ पे ऊपर नीचे sin θ - cos θ और sin θ - cos θ कट गया है। अब क्या किया है, sin²θ + cos²θ की वैल्यू 1 होती है, और +sin θ * cos θ लिख लिया है। अब sin θ cos θ है ऊपर, अब इसको अलग हमने कर लिया है, 1/cos θ + sin θ + sin θ, तो ये क्या हुआ, ये हम लोग का ये पोर्शन कट गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 + cos θ * sin θ,
तो इसको जब हम ये इनवर्स लिखा है किसका, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा साइन थीटा जो लिखा है, तो इसको हम ऊपर करके मतलब इसका जो जिसका इनवर्स है उस फॉर्म में लिख देंगे, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमें। सेक ए का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, और सेक ए का यहाँ कॉस ए, ठीक है, एलसीएम लिया गया है हम लोगों ने, एलसीएम ले लिया, ठीक है, इसका भी। फिर उसके बाद ये जब ऊपर जाएगा तो मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया है, कॉस ए अपॉन वन, ये देखिए ये हुआ। अब हम इसी तरह ये इसकी वैल्यू इतनी आ गई, अब हम जब देख रहे हैं ये नहीं आ रहा है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या, ये वाला पोर्शन भी ले लीजिए, ये वाला पोर्शन लिया हम लोगों ने, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समीकरण का जो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो वही यहाँ पुट कर दिया गया है, कोई फिर यहाँ पे आगे जब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखा है, इसको ये लिख सकते हैं ना, 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, ठीक है, तो ये भी सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ये है, ठीक है, इसमें क्या करना है, अंश और हर में साइन ए से हमने भाग दे दिया है, ठीक है, भाग क्यों किया है, क्योंकि हमें बनाना है किसको, इसको कॉट के फॉर्म में, ठीक है, तो कॉट यहाँ पे हमको दिख रहा है या तभी ये सॉल्व हो रहा है आसानी से, तो कॉस ए अपन साइन ए सब में भाग दे दिया गया है, इसमें ऊपर नीचे दोनों अंश हर में भाग दे दिया है हमने। अब ये क्या हो गया हमारा, कॉस ए अपन साइन ए कॉट ए, ये साइन ए हमारा कट गया, ये साइन ए कट गया, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, ठीक है, अब ये 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के हो जाएगा, तो ये ऊपर हो गया, तो ये कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1 लिख दिया है। अब इसका हमने क्या किया है, इसमें क्या किया है, कॉट ए प्लस कॉस ए को एक साथ लिख दिया है, और माइनस ये 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए कर दिया है, ठीक है, आगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, इसमें हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया है, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या लिया है, इन दोनों में कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो हम लोग का क्या बचा, प्लस कॉमन ले लिया है, तो माइनस यहाँ पे बचेगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर लिखा है, माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है ना, तो प्लस चला गया, माइनस बचा माइनस वाला पोर्शन, अब कॉट ए प्लस ये, ठीक है, फिर इसके बाद क्या, इसको सॉल्व कर लिया है, देखिए बिल्कुल सिंपल है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये ऊपर 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 नीचे कट नहीं जाएगा, ये तो कट ही जाएगा ना, तो फिर यही तो बचेगा, तो दायां पक्ष प्रूफ हो गया, ये देखिए दायां पक्ष प्रूफ हो गया, इसका भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट ये है, ठीक है, अंश और हर में क्या करते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा, ठीक है, परमेयीकरण जिसको बोलते हैं, जब अंडर रूट रहेगा नीचे तो उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमने वही गुणा कर दिया है अपोजिट, तो ये देखिए ये इसका गुणा हुआ, तो 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में है दोनों ना, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये क्या है, ए माइनस बी लिखा है, ए प्लस बी लिखा है, तो 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये 1 प्लस साइन ए, अब ये इसका पूरा जब अंडर रूट हट जाएगा, वर्गमूल क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग कर लीजिए इसको, सेक ए प्लस टेन ए, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा ये है, ठीक है, इसमें क्या किया हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो क्या बचा हमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देख लीजिए अपना साइन थीटा कॉमन ले लिया है, तो इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लिया है, तो साइन थीटा 1 माइनस 2, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 दो में से एक गया तो माइनस 1 हुआ, क्योंकि माइनस के आगे 2 के आगे चिन्ह बड़ा है तो माइनस लगेगा, अब क्या हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या हुआ, कट गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं किया हमने, क्या किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला केवल लगा दिया है, बस केवल इसको ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए, उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है, और इसको हमने क्या किया है, देखिए पूरा बस बिल्कुल सिंपल है, और जहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉसेक है ना, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, तो साइन ए हमारा कट जाएगा, फिर इसको 2 ये इसको भी उसी तरह लिख दिया, इसका भी इनवर्स, तो ये भी कट गया हमारा, अब इसको आप जोड़ेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉसेक ए, इसका भी हमने इन्वर्स ले लिया है सारे का। इन्वर्स लेने के बाद इसको ऐसे रख लिया है, ठीक है, देखिए, ठीक है। अब उसी तरह एलसीएम लेने के बाद ऊपर ले गए हैं इसको, फिर ये भी इसका ये बायां पक्ष आ गया, दायां पक्ष को भी उसी तरह टेन ए का साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, कॉस ए अपॉन साइन ए, बिल्कुल सिंपल है, वही सेम मेथड है, केवल कैलकुलेशन ही है पूरा जो हम पिछले बता चुके हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है। टेन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लिया है इसका, ये कॉस स्क्वायर, इसको ऊपर ले गए हैं तो क्या हुआ हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू एक, इसकी वैल्यू भी एक हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। ये बचा, ये क्या लिखा है, साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन टेन होता ए होता है, स्क्वायर लगा है इसीलिए स्क्वायर हो गया है, ठीक है। बस ये प्रश्नावली खत्म हो गई। अब नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियोस नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।